गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय दो का नाम है घातांक। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें दिया है -2^4 - -2^2 = -2^8 - 2 का स्क्वायर। इसी लेफ्ट हैंड साइड हो गया या राइट हैंड साइड हो गया, दोनों तरफ का मान क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इसमें से -2^4 - -2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 × 2^4 - -1 × 2 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपके पास -1^2 - -1^4 × 2^4 × -1^2 × 2^2। ये सम संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा 1 × 2^4। ये भी सम संख्या है, पावर इसमें 1 × 2^2। ये हो जाएगा 2^4 और 2^2। फिर यहाँ से फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a^m (a^n) = a^m+n। ये सूत्र लगाना है हमको, यहाँ हो जाएगा 2^4 + 2 = 2^6। कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में हम लोग फिर से हल करेंगे, -2^8 / -2^2। यहाँ भी -1 × 2^8 / -1 × 2^2। क्या हो जाएगा, -1^2 / 2^8 / -1 × 2^2। ये सम संख्या है घातांक, इसलिए क्या हो जाएगा 1 × 2^8 / 1 × 2^2। ये हो जाएगा 2^8 / 2^2। यहाँ पे फल लगेगा, चूंकि a^m (a^n) = a^m - n। तो यहाँ हो जाएगा 2^8 - 2 = 2^6। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो दोनों तरफ का मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। इसी में से मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 3 - 3 × -3। इसमें पावर दिया है इसका स्क्वायर और इसमें दिया है -6, ठीक है, = 1/3 का स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से, ठीक है। तो -1 × 3 का स्क्वायर - 1 × 3^6। फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर × 3 स्क्वायर × -1 = 6 हो जाएगा, × 3^-6 हो जाएगा। कि यहाँ पे हो जाएगा सम संख्या होने के कारण धनात्मक में आ जाएगा, 3^2 हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, इसलिए इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, धनात्मक होने के बाद ये हो जाएगा। फिर इस प्रकार से 3^2 × 3^-6। फिर यहाँ पर लगेगा a^m (a^n) = a^m+n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3^2 + -6 ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 3^2 - 6 = 3^4 - 4। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/3^m, इस तरह हो जाएगा 1/3^4। लेफ्ट हैंड हुआ, राइट हैंड में देखो आपके पास क्या दिया है, 1/3 का स्क्वायर × स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला गया, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3^4। देखो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। थैंक यू।